बढ़ता ही जा रहा है बाढ़ का कहर। बेकाबू हो चुका है पानी का प्रहार। आधे हिंदुस्तान में सैलाब से कोहरा। कहीं डूब रहा है इंसान, कहीं बह रहे हैं मासूम जानवर। बारिश और मार के कहर से आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा। न तो लहरों पर लगाम लग रही है और न ही सैलाब थमने का नाम ले रहा। अब तक नदियों और नालों में ही उफान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब झरनों में भी उबाल आ चुका है। मौत का शोर सुना रहा ये झरना कभी सैलानियों की पहली पसंद होता था, लेकिन आज इसके आसपास से गुजरने से भी सिहरन होने लगी। पानी के खौफनाक प्रहार से ना तो शहर बचे हैं ना ही गांव। सड़कों और गलियों में भी पानी का कब्जा हो चुका है। हर ओर पानी ही पानी होने के बाद अब जिंदगी का सहारा सिर्फ नाव रह गई। लेकिन जहां ये नाव भी नहीं है, वहां जान जोखिम में डालकर निकलना इंसान की मजबूरी बनी। कोई टूटे पुलों के सहारे तो कोई सैलाब में ही बाजी लगा रहा। आफत की बार इंसान ही नहीं जानवरों की भी जान ले रही है। सैलाब के रास्ते में आने वाली हर चीज पानी में समाती जा रही है। फिर चाहे इंसान हो या जानवर या फिर बड़ी बड़ी गाड़ी, मौत की लहरों के रास्ते में जो आ रहा है सर जी, हमारे यहाँ ना पानी गिरने लगा एकदम से और बाढ़ बहुत आ गई और हमारे हॉस्टल में भी पानी भर गया। हमको मतलब निकलने की जगह भी नहीं थी, जान बचाने के लिए हम ऊपर छत पे गए। पब्लिक को दिक्कत हो रही है, खुले हुए पुल पर लोग अपना खतरा मोल लेकर के पास कर रहा है। आधे हिंदुस्तान का यही हाल, ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। लहरें मौत का शोर सुना रहे। सैलाब की आफत कब रुकेगी और उसके बाद जिंदगी का क्या होगा, कोई नहीं जानता। बाढ़ और बारिश हर रोज एक नए राज्य को अपने चक्रव्यूह में ले रही है। बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तबाही मचाने के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सैलाब की दस्तक हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर सैलाब आ चुका है, नदी नालों में उफान है और झरनों का शोर तो डरावना हो चुका है। बढ़ता ही जा रहा है सैलाब का दायरा, तेज होता जा रहा है पानी का प्रहार। नदी नालों में आ चुका है उफान। झरनों से बरस रही है मौत। देश भर में बारिश और बाढ़ से आई मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। सैलाब अब नए नए इलाकों में पैर फैला रहा है। मुसीबत की बारिश ने अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी और यहां कोहराम मचना शुरू हो चुका है। सैलाब की पहली ही दस्तक इतनी खौफनाक है कि किसी को भी सिहरन हो जाए। ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है, जहां के मशहूर तीरथगढ़ वाटरफॉल में उफान आ चुका है। भारी बारिश के बाद इस वाटरफॉल से निकल रही पानी की धारा मौत का शोर सुना रही। जगदलपुर का ये वाटरफॉल सैलानियों की पहली पसंद होता था, लेकिन आज
यहाँ के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई इसके आसपास भी नहीं जाना चाहे। यहाँ से निकल रहा पानी धूल के गुबार जैसा नजर आ रहा है और इस पानी ने पूरे शहर में सैलाब ला दिया है। ये जगदलपुर की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर तीरथगढ़ के वाटरफॉल की है तो दूसरी तस्वीर रिहायशी इलाकों की, जहाँ चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कों पर सैलाब आ चुका है और पानी रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहा है। जगदलपुर में बीते चार दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से शबरी नदी उफान पर आ गई, जिसमें कई पुल डूब गए। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर पानी इस कदर भर गया है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो चला। छत्तीसगढ़ का सुकमा भी भारी बारिश से बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि कई कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई। नेशनल हाईवे 30 पर करीब 5 फीट पानी भर गया। बचाव दल को अब नेशनल हाईवे पर तैनात कर दिया गया है, जो लोगों को रस्सी की मदद से सड़क पार करा रहे हैं। छोटी गाड़ियां चलना लगभग बंद हो गई, जबकि ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियां आधी पानी में डूब जा रही। कब से बस में हो? आज रात से। कहाँ जाना था? जगदलपुर जाना। अच्छा, रास्ता जाम के कारण यहाँ फंसे हो? हाँ। कहाँ सोए रात में? बस में सोए। छत्तीसगढ़ की ही तरह पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में पिछले चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में गुलांस नदी उफान पर है। बारिश की वजह से नदी में आए उफान के बाद अब पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे कई गांवों का आसपास के इलाकों से संपर्क टूट गया है। इस सैलाब की वजह से सैकड़ों एकड़ खरीफ की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। खेतों में घुटनों तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। बहुत 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 लपक की हालत, भयंकर हालत खराब। जो कबेलू वाले जो घर थे, कबेलू वाले, उनमें से पानी है ना घरों में घुस रहा था। बहुत परेशानी थी, पब्लिक के बिस्तर तक भिज गए और दो तीन तो मकान भी गिर चुके हैं। गुलाब नदी का हर साल ये होता है, तो सरकार क्या करती है? हर साल यही होता है सर, कुछ भी नहीं कर रही सरकार। अभी देखो पूरी फसल नष्ट हो चुकी, पूरे पाइप बह चुके हमारे। बारिश के बाद यहाँ क्या हाल हुआ है, उसका अंदाजा इस हैंडपंप को देखकर लगाइए, जो अब पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। भोपाल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर टीरा खेड़ी गांव है और ये जो रास्ता है ये एक नाला है जो कि कुलास नदी में जाके मिलता है और इसमें इस समय उफान पर है। रात में, बीती रात में ये नाला कम से कम 20 फीट ऊपर बह रहा था। इसकी वजह से पूरा भोपाल का टीरा खेड़ी गांव से संपर्क टूटा हुआ और कई घर भी, इस गांव में लोग बता रहे हैं कि कई जो घर भी बहे। मध्य प्रदेश के खंडवा में मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुल बह गया, जिससे बैतूल होशंगाबाद का रास्ता बंद हो गया। अब गाड़ियां दूसरे रास्तों से होकर गुजर रही हैं, लेकिन इस रास्ते पर उदयपुर नदी उफान पर बह रही है। इस रास्ते में लोग जान हथेली पर लेकर अपनी गाड़ियां पार कर रहे हैं। यहां पानी का बहाव इतना तेज है कि कई गाड़ियों के सामान पानी में गिर गए, जिन्हें लोगों को उठाकर ले जाना पड़ रहा है। यह मंडला में भारी बारिश से हुई तबाही की तस्वीर है। चारों ओर पानी ही पानी है और लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी पानी में जान हथेली पर लेकर गुजरना पड़ा। दिक्कत साहब यहाँ इतनी कीचड़ है, हमारे लड़का बच्चे डरने का जाते हैं, इतनी परेशानी है और नाव नहीं चल रही है, बहुत परेशानी है हमको। भारी बारिश से सबसे ज्यादा मुसीबत बच्चों को हो रही है, जिन्हें स्कूल जाने के लिए बेहद कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर पानी है और जहाँ पानी निकल गया है वहाँ जानलेवा कीचड़ फैला हुआ है। बच्चे इन्हीं खतरनाक रास्तों से गुजरने के लिए मजबूर। बाढ़ और बारिश से बेहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुसीबत आने वाले दिनों में भी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोहराम मचा दिया है। गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया है। महाराष्ट्र के नासिक का हाल सबसे ज्यादा बुरा है, जहां सड़क का हाल नदियों जैसा हो गया है, जबकि गुजरात में कई जिलों में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
बारिश से हाहाकार। गुजरात में सिहरन पैदा कर देने वाला सैलाब। बारिश के कहर का शिकार हुआ 6 महीने का मानसून। बेजुबान जानवरों पर भी बाढ़ की मार। बारिश अब कहर बनकर महाराष्ट्र और गुजरात पर भी टूट पड़ी। भारी बारिश की वजह से दोनों राज्यों में मुसीबत बढ़ती जा रही है। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है और पानी अब लोगों के घरों में दाखिल हो। ये मुंबई के कल्याण की तस्वीरें हैं, जहां 6 महीने के मासूम बच्चे को बारिश के कहर से किसी तरह बचाया। भारी बारिश की वजह से इलाके में पानी भर गया। ऐसे में 6 महीने का मासूम लहरों में घिर गया, जिसे टायर की मदद से बाहर निकाला गया। बच्चे को लहरों के कहर से बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली, फिर एक टायर और रस्सी की मदद से बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल नासिक का, जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हो गए। गोदावरी में उफान आने से नासिक शहर पर कहर टूट पड़ा। बारिश की वजह से बांध पूरी तरह से भर गए, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए। ये नासिक में उस जगह की तस्वीरें हैं, जहां कुंभ मेला लगता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। नासिक की मशहूर हनुमान मूर्ति भी बाढ़ में डूब गई है, जिसे देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। लगातार बारिश के बाद त्र्यंबकेश्वर गांव के सारे रास्ते बंद हो गए। गोदावरी का पानी अब नासिक शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। पानी पुल के नीचे से शहर में दाखिल हो रहा है। पानी की गहराई काफी ज्यादा है, इसीलिए लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। एक जगह पर तो नो सेल्फी का बोर्ड भी लगा दिया गया। पर हम लोग नासिक में देखिए, उफान पर है गोदावरी नदी। ब्रह्मगिरी के टीले से पहाड़ियों से बहता हुआ पानी नासिक तक पहुंच गया है। बड़ी उफान में है मात्रा में पानी। नासिक शहर के अंदर गोदावरी नदी का जो पात्र है, यहाँ पर जो पवित्र कुंभ स्नान है, तीर्थ स्नान है, यह सभी मंदिर जो है यह पानी के तेज बहाव में पानी के नीचे जाने की शुरुआत हो चुकी है। चार महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ में कुछ गायें बह गईं। हादसा तब हुआ जब भारी बारिश के बाद बरसात का पानी सैलाब बनकर सड़क के ऊपर से बहने लगा, जिसे गायों का एक झुंड पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव में कुछ गायें खुद को संभाल नहीं पाई और बह गई। महाराष्ट्र जैसा ही हाल पड़ोसी राज्य गुजरात का है। यहाँ कई इलाकों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के राजकोट में हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के कई बांध पूरी तरह से पानी से भर गए, जिसके बाद ढोंडी बांध का एक गेट खोल दिया गया। बांध के सामने ही गांव, इसलिए गांव वालों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया गया। इस बांध और गांव के बीच दूरी काफी कम, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांध के गेट खुलने के बाद पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। दूर दराज के इलाकों के साथ साथ राजकोट शहर भी बारिश से बेहाल है। एक अंडरपास में पानी इतना ज्यादा भर गया कि एक कार ही डूब गई। कार को डूबता देख आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने कार में बैठे लोगों को बचाया। गुजरात के नवसारी में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अंबिका नदी उफान पर है। बारिश की वजह से लोगों के मकानों में पानी घुस आया है, जबकि सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। भारी बारिश और बाढ़ से जामनगर का हाल बुरा है। सड़कें नदियों की तरह नजर आ रही और पानी सामने आने वाली हर चीज को बहाता ले जा रहा है। रणपुर का हाल सबसे बुरा है। यहाँ हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पानी में गाड़ियाँ फंस रही, जिन्हें ट्रैक्टर की मदद से निकालना पड़ रहा है। वलसाड में भी पानी का कोहराम जारी है। यहाँ की औरंगा नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गुजरात के वलसाड में बीते दिन उधरम और कपराड़ा में जिस तरह से भारी बारिश हुई, उसके चलते वलसाड के औरंगा नदी में अब पानी का प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते तंत्र अलर्ट हुआ था। कलेक्टर खुद औरंगा नदी पे पहुंचे थे और जिस तरह से नदी में पानी की मतलब पानी का जिस तरह से प्रवाह था, जिसके चलते तंत्र अलर्ट हुआ था। नदी किनारे के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ अलर्ट किया गया था।
मूसलाधार बारिश ने गुजरात को बेहाल कर दिया और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए आने वाले वक्त में मुसीबत और बढ़ सकती है। और इधर बिहार में मूसलाधार बारिश थमने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में बागमती नहर का, नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घटा है वहां अब लोगों के सामने मुश्किलों की बाढ़ है, क्योंकि सैलाब ने उनका सब कुछ छीन लिया है। बिहार में नहीं रुक रहा है बाढ़ का कहर, उत्तर बिहार में सैलाब का तांडव। बागमती नदी की लहरें मानो बिहार के दरभंगा को बर्बाद करने पर आमादा है। खतरे का निशान डुबोने के बाद नदी की तेज धार तटबंध और सड़कों को निगल रही। तटबंध टूटने का मतलब तबाही है, इसीलिए लोग नदी की लहरों से अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहे हैं। भूख मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, मंत्री जी नहीं सुन रहा है, साथ आकर के चले जाते हैं, जेब लेते हैं चले जाते हैं। तब तो बहुत सारा पानी आया है, हम लोग का घर में पानी हिल के जाते हैं आते, और क्या बताए, बच्चे हैं छोटा छोटा, वो भी जाते आते, स्कूल मना कर दिया पानी हिलने से मत जाओ। समस्तीपुर में भी बागमती नदी की बाढ़ ने करीब एक दर्जन गांवों को दाने दाने का मोहताज बना दिया है। गुजर बसर का सामान सैलाब में समा चुका है और सरकार के पास देने के लिए सिर्फ आश्वासन। जितने भी हमारे बाढ़ पीड़ित हैं सबको राहत देने का काम करेंगे, और सरकार के का पैसा पर का हक सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों का है, इसलिए बाढ़ पीड़ितों की प्रायोरिटी पर आएगा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ कम हुई है, उसके बाद भी यहाँ कई गांवों में सड़कें दरिया बन चुकी है। अररिया में परमान नदी ने गांव को टापू बना दिया, जहां से बाहर निकलने के लिए बस एक टूटी सी नाव का सहारा है। अररिया शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर भी प्रशासन नाव का इंतजाम नहीं कर पाया। 14 तारीख को पिटीशन दे करके आए हैं जिला में, विधायक से लेटर पर लिखवा करके, अभी तक नाव नहीं मिला। विधायकों द्वारा 21 नाव जिला में आया है, पता आपको? नहीं नहीं मिला, बात है कि देने का, अभी तक नहीं मिला। नहीं आया, ये नाव कब मिला आपको? ये नाव 2016 में मिला था। बिहार में तबाही मचा रही बागमती नदी नेपाल के सिराहा और सत्तरी इलाके से आती है, जहां मूसलाधार बारिश आफत बन चुकी है। ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पीछे किस तरीके से पीछे स्थानों पे लोग नाव का इंतजार कर रहे हैं। अंदर आप जाएंगे पानी ही पानी मिलेगा, इतना पानी जो है यहाँ पर है। अब इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो डूबने की स्थिति आ सकती है, और ये मंदिर ये लोग आज करीबन 15 दिनों से झेल रहे हैं। वही राजस्थान में करीब 25 लोगों की जान लेने के बाद भारी बारिश थमी, लेकिन बाढ़ के साथ आई मुसीबतों ने गली मोहल्लों में डेरा डाल दिया। राजस्थान में बारिश का तेवर देखकर मौसम वैज्ञानिक भी औचक्के। पहले जो बारिश पूरे समय में कंटिन्यू होती थी वो उसमें कमी आई है, नंबर ऑफ रेनी डेज में कमी आई है, लेकिन जो इंटेंस स्पेल है वो बढ़ गया, उसमें एक साथ भारी से अति भारी बारिश हो जाती है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में 1 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी। हालांकि बिहार के लोगों के लिए राहत की बात ये है कि इस पूरे हफ्ते आसमान से आफत बरसने की आशंका नहीं।